व्यूअर्स, ये रही सामने फैसल मस्जिद और बारिश में आप देखें कैसा है नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़े का और इन्जॉय वाला मौसम है आज। तो यहाँ पर मैं इन्जॉय कर रही हूँ बारिश में, नज़र आ रहा है शीशे पे कितनी बारिश है। तो यहाँ पर मैंने बनाया है स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक। तो अभी लिया है शावर और फ्रेश फ्रूश हो गई हूँ, ठीक है अब होना है थोड़ा सा तैयार क्योंकि आज फिर कहीं जाना है। तो जाने वाला तो फिर जहाँ जहाँ जाएंगे वो बाद में ही दिखाएंगे कौन है, कौन है दरवाजे के साथ। तो मैंने कहा थोड़ा फ्रेश हो जाओ, बाल मेरे ऊपर ही अभी टांगियों में, अभी बस इनको कंघी शंघी करवाती हूँ तो सोच जल्दी जल्दी अपने व्लॉग कर लेती हूँ स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब, ठीक है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। तो जो चैनल पे न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऊपर कहते हैं फोन उठा के बनाओ तो वीडियो अच्छी बनती, मेरे सामने लाइट लगी हुई, मैं ऊपर फोन उठाती तो सीधा अंधेरा मेरे ऊपर आता है। चले जी मैं कंघी शंघी कर लूँ, जरा तैयार श्यार हो जाओ फिर मिलते हैं, ठीक है। तो कंघी मेरी काफ़ी देर पूरा घंटा लगा के हुई है, ठीक है। तो कुछ मेरी बहनें कहती हैं सारे हेयर दिखाएं, चलो किसी टाइम बैक साइड से पूरा कैमरा मार के दिखाऊंगी, तो वैसे देख लें कुछ इस तरह से हैं, ठीक है। लेंथ यहाँ तक जा रही, मतलब मेरे बाजू जितने लंबे हैं, मेरा बाजू जितना मोटा है उतना ही लंबा। ये कौन आ गया, ये कौन आ गया, मेरी टीम का बंदा आ गया। अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम। किसको बोला? व्यूअर्स को। व्यूअर्स को बोला। आपका नाम क्या है? नजीम अली। ओहो, आपके पापा का नाम क्या है? नदीम। नदीम। आपकी मम्मा का नाम क्या है? कड़ैया। कड़ैया। रुकैया। 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 इसको सही नाम नहीं आता। आपके भाई का नाम क्या है? छोटे का। बड़े का पहले बताओ, जो आपसे छोटा है। मान का। हाँ मान। मान। छोटे का बताओ। छोटे अलीबास। बहन का नाम क्या है आपकी का? अली अब्दुल। ओ, एक और भी आपकी आपी है? मुदस्सर। मुदस्सर भाई। और आपी एक और है, उसका क्या नाम है? बीरा। बीरा, अच्छा। छुटके जमा सबके नाम आते हैं, मेरा नाम आता है? हाँ, मेरा नाम क्या है? ज़्यादा। क्या? ज़्यादा। ज़्यादा? ज़्यादा। तो चैनल पे मेरा क्या नाम है जो घर में आप सारे बुलाते हो, वो बताओ। आता है। नहीं, जो मेरा नाम में अम्मी लेती है, आप भी लेते हो, वो बताओ। बेबो मैंने कान में बताया, बेबो वाला। क्या नाम है? बेबो। मैं किसकी बेबो हूँ? चौधरी साहब की। नहीं नहीं नहीं, मैं तो जीम की बेबो हूँ, जीम की। मैं नहीं चौधरी साहब की बेबो। चौधरी साहब आपके क्या लगते हैं? मामू। ओ, मामू लगते हैं। उनका क्या नाम? चलो रहने दो, उनका नाम नहीं हमने यहाँ पे बताना, लड़ाई ना कर दें। अच्छा, आपके दादो का नाम आता है? नहीं आता। बेबे। अच्छा बेबे, ठीक। आपके ताए कितने हैं? कितने? दो। दो। तो फुफो कितनी है? फुफो भी दो। फुफो भी दो, ताए भी दो, फुफो भी दो, क्योंकि हम दो बहन है तो इसकी दो फुफो होगी, तो इसके पापा के दो भाई हैं, उसके अलावा वो दोनों इसके ताए। आपका पापा सबसे छोटा है? हाँ। इसका पापा सबसे छोटा है, जो मेरी बहन है उससे भी छोटा है, ऐसा ही है। आप कौन सी फुफ्फो से प्यार करते हो? आपके। मेरे साथ? तो जो लीजा की मामा फुफ्फो है उसके साथ प्यार नहीं करते? करते। थोड़ा करते हो? बोता। बोता किसके साथ करते हो? बोता मेरे साथ। गंदा बच्चा, गंदा किस होना? सोना। चलो जी, चैनल को सब्सक्राइब करो। हैं? चैनल को सब्सक्राइब करो। बोलो चैनल को सब्सक्राइब करो। बोलो चैनल। चैनल। सब्सक्राइब। सब्सक्राइब। ये बड़ा मुश्किल नाम है, कभी कभी मैं भी भूल जाती हूँ। तो चलो व्यूअर्स, अभी मैं बिल्कुल ना रेडी हूँ। आज तो मैं सोच रही हूँ कि मैं लिपस्टिक भी लगा ही लूँ, रोशनी पता ऐसे रोशनी आई, ठीक है। तो मिलते हैं फिर, कोई नहीं, थोड़ी सी जिम के साथ गप्पे लगाई, आपको जिम की फैमिली का भी पता चल गया, साथ साथ मेरी फैमिली का भी पता चल गया। तो यहाँ पर मैंने बनाया है स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक और अभी पियेंगे स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, क्योंकि आजकल जैसे कि स्ट्रॉबेरी आई हुई है और इसका मिल्क शेक पीना चाहिए। आज तो माशाल्लाह बाहर जी बारिश हो रही है, तो अभी जो है ना खान और मैं रहे हैं जा कहीं पर, ठीक है। तो हम निकलते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ जाते हैं।
और क्यों जाते हैं अब रोज रोज कहीं आना कहीं जाना। पहले गाड़ी नहीं थी तो बहुत टेंशन थी, कहीं भी जाना होता था मुझे बड़ी परेशानी होती थी कि भी कैसे जाएंगे, गाड़ी बुक करनी है, ये करना वो करना। हाँ आ जाओ जल्दी, असद गाड़ी लेके आ गया है। तो अभी जो आराम निकल रहे हैं, चले मिलते हैं फिर निकल के। तो व्यूअर्स हम घर से निकल गए और मैंने गर्म शाल ऐसे पहन ली ऊपर, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है और आज जो ना काफ़ी सर्दी होगी यहाँ पे एकदम। मैं जब सो के उठी हूँ ना तो मैंने आके दरवाज़ा खोला तो इतनी ठंडी हवा अंदर आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो सुबह सुबह का टाइम है, अभी 7:30 हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं अभी शॉल ले लेती हूँ साथ, कहीं ये ना हो कि बारिश आऊँ तो सर्दी ज़्यादा हो फिर क्या होगा। तो चलें अभी मैं आपको बारिश दिखाती हूँ। ये देखें जी बारिश स्टार्ट है, अभी हम खड़े हैं खन्ना पुल। खान को मैंने भेजा बाहर, वो खोखा है यहाँ पे। अभी शॉप तो खुली नहीं, 7:30 बजे 8-9 बजे खुलती हैं। तो एक दो चीज़ें लेनी थी, मैंने कहा जल्दी जल्दी वहाँ से लेके आ जाओ। तो माशाल्लाह मौसम बहुत खुशगुजार कहने लगी थी, मौसम खुशगवार हो गया, बारिश हो गई है। बारिश तो खैर रात की हो रही है। तो व्यूअर्स बहुत ज़्यादा रश है, वैसे तो सुबह सुबह रश ही होता है लेकिन कुछ बारिश की वजह से भी ज़्यादा हो गया है, काफ़ी रश है। बस देखते हैं कि हम जल्दी पहुँच जाएंगे, लेट ना हो जाए, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। बस रास्ते में तो बारिश जो है, बारिश भी रमा दमा है, ट्रैफिक भी रमा दमा है और हम भी रमा दमा है। तो व्यूअर्स बारिश में जो है ना इस्लामाबाद मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। सामने पहाड़ वो भी धुंधले धुंधले नज़र आते हैं और ये साइडों पे जो दरख्त हैं ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। बस बारिश में मैं कहती हूँ बारिश हो और मैं हूँ और गाड़ी हो और बस निकल जाऊँ लॉन्ग ड्राइव पे, नहीं शॉर्ट ड्राइव पे, यानी घर से निकलूँ इस्लामाबाद जाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर दामने को मुनाल चली जाऊँ, फिर ऊपर से वापस आ जाऊँ, क्योंकि बारिश में मुझे लॉन्ग ड्राइव पर मज़ा नहीं आता। बस शॉर्ट हो, जो करीब करीब हो और थोड़ा थोड़ा घूमें और स्लो स्लो जाएं, बिल्कुल स्लो स्लो और घूम कर वापस आ जाएं, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव पे तो जो बंदा कहता है चलो जी स्पीड मारो फटाफट पहुँचे, थक गए, ये हो गया वो हो गया, इतना सफ़र बाकी है, इतना सफ़र बाकी है। तो जो शॉर्ट ड्राइव होती है, जो आपने शहर की सिटी के अंदर अंदर रहना होता है, फिर इंसान कहता है कोई बात नहीं करीब ही हूँ, अगर जल्दी वापस जाना भी हुआ तो कोई नहीं, अभी स्लो चल रहा हूँ फिर थोड़ी स्पीड मार लूँगा और क्या होगा। तो बस मैं तो ऐसे इन्जॉय करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज अभी जो है मैं ही जा रही हूँ, मैं और खान दोनों जा रहे हैं, पहले हमने कोर्ट जाना है तो, क्योंकि भाई की आज फिर तारीख है और देखते हैं आज क्या होता है। उसके बाद हो सकता है चोरी साहब की भी कमज़ोरी है बारिश, तो शायद हम दोनों कहीं निकल जाएं, लेकिन अभी कन्फर्म नहीं है, वो मैं बाद में ही बताऊँगी, अभी आप मौसम इन्जॉय करें बस। तो व्यूअर्स अभी बारिश ने जो ना फुल स्पीड पकड़ी है, अभी काफ़ी तेज़ हो रही है, पहले स्लो थी पिंडी वाली साइड पे और जैसे इस्लामाबाद में इंटर हुए तो काफ़ी तेज़ हो गई है। बस बहुत मज़ा आ रहा है, समझ ले मैं इंजॉय कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। पीछे नेरे जी बैठे बादल इतने गहरे हैं, फुल अंधेरा हुआ पड़ा है और साइड दुआ करें बंदा महाराज बरी हो जाए, मेरा छोटा भाई इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। तो जालियां लगी हुई है ना साइड पे, इसलिए खान जो है ना ज्यादा अंधेरे में बैठा है। तो आप सोच रहे होंगे इसको फ्रंट सीट पे मैंने क्यों नहीं बिठाया, उसकी भी वजह है ये सिगरेट पीता है, इसके पास से ना इतनी सिगरेट की स्मेल आती है मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। बहुत मुझे बहुत एलर्जी है सिगरेट वगैरह से ना, कहीं पे कोई पी भी रहा हो ना तो मैं तो भाई मुझे फौरन मेरी सांस बंद होना शुरू हो जाती है उसके धुएं से, मुझे नहीं पसंद सिगरेट सुगरेट यह घर में भी इसको अंदर सिगरेट पीने की इजाज़त नहीं है, बाहर सीढ़ी में बैठ के पीता है या फिर ऊपर जाके पीता है, क्योंकि मुझे एलर्जी है ना धुएं से, मुझे खांसी स्टार्ट हो जाती है, तो इसलिए इसलिए अभी इसको मैंने पीछे भाई पीछे बैठ जा, सिगरेट की इतनी स्मेल आती है इसके पास से बहुत ज़्यादा। योगान हमारे बच्चों को भी अजीम इसके साथ नहीं बैठता, अजीम कहता परे हो सिगटा दी बहु मारता पे तो चले अभी हम खैर कोर्ट पहुंचने वाले हैं तो मिलते हैं फिर, एक बार फिर बारिश देख लो क्योंकि उसके बाद हमने गाड़ी से उतर जाना है, तो कोई पता नहीं जब तक हम कोर्ट से वापस निकले तो बारिश बंद ना हो जाए। बारिश होती रहे, मेरा दिल कर रहा चोई साहब के साथ थोड़ा सा ना
मैं आज बाहर चली जाऊँ, कहीं घूम आऊँ थोड़ा सा जाके ना। तो बिल्कुल हम लोग कोर्ट पहुँच गए हैं और मैं बाहर ही बैठी हूँ। बहुत रश है और बहुत टाइम यहाँ पे लगता है, इधर चारों तरफ रश ही रश है। तो अभी हम कोर्ट से बाहर निकल आए हैं, जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। लो जी, हमारी गाड़ी के पीछे तो कोई गाड़ी लगा गया यहाँ पर। वो देखे आके हमारी गोल्डन खड़ी है, पीछे मेहरान खड़ी है। देखते हैं अब निकालते हैं और फिर मैं गाड़ी में बैठती हूँ या फिर घर जाके बताती हूँ कि आज कोर्ट में क्या हुआ। तो यहाँ पर जो अम्मी और जीम स्टापरी लेके आए। नहीं जुत्ती कितने, तेरी जुत्ती पा, जल्दी कर सुमी, चल पैरों तो नंगी ना मेरे नजर आई, जुत्ती लेके आ। जुत्ती है, जुत्ती पहनती नहीं है, पता नहीं इसको क्या मसला। अम्मी और जीम स्टापरी लेके आ, अभी स्टापरी अम्मी जो है उसको साफ कर रही है और फिर इसका शेक बनाना। जीम जुत्ती पहन के आ, जल्दी कर। ये कैसे खड़े हो उधर अंधेरा, शाह काला आ रहा है। जीम अम्मी बना दो, स्टापरी अम्मी बना रही है, अभी बैठे बैठे ना। मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं आके थोड़ी देर सो गई थी क्योंकि सुबह सुबह उठ के जाना पड़ता है ना, तो फिर इतनी तबीयत खराब होती वहाँ पर बैठ बैठ के सर में दर्द शुरू हो जाता है। अभी मैं सो के उठी हूँ, अभी कुछ देखती हूँ। नाश्ता करने के बगैर ही आज तो मुझे बहुत तेज नींद आई जब मैं वापस आ गई थी, तो आगे मैं फौरन सो गई थी। अभी शाम हो गई, अब मैं नाश्ता करूँगी और कुछ नहीं हुआ, बस एक दो शादियाँ थी वो हुई हैं और अब जो है मेरे ख्याल में एक या फिर दो तरीकों पे फैसला इंशाल्लाह हो जाएगा। अभी लास्ट थी जो शहादत होनी थी वो होगी है, तो देखते हैं क्या होता है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। आप सब भी दुआ करिएगा प्लीज़। तो तुमने उल्टी पहनी हुई, सीधी करके पहनो इसको, जल्दी से सीधी करके पहनो। चलो जूती पहन के रखा करो, इधर देखो मेरी तरफ, जूती नहीं उतारनी पैरों से। लोग कहते हैं पता नहीं इसकी जूती नहीं, और तुम जूती बाहर फेंक देती हो ऊपर जंगले से ना, बड़ी बदतमीज बच्ची है। जूती बाहर भी नहीं फेंकनी, अच्छा हाँ पहन के रखो इसको पैरों में। चलो सीधी करके पहन लो, शाबाश जल्दी करो, चलो पहनो इसको। अच्छा हाँ जी, वाल शाल सीधे कर लें, सोया उठ के आ गया अभी शाम को है, सारी रात जागना, सारा दिन सोना है, ठीक है। मेरा काम है जरूरी, बाल देखो अपने बालों का हाल देखो जीम, इसके क्या हुआ हुआ, क्या हाल हुआ इसके बालों का जीम, इधर आके बताओ, जरा इधर वीडियो में आके बताओ इसके बालों का क्या हाल है। सही नहीं, गंदे लग रहे हैं। गंदे लग रहे हैं, उसको भाई को बताओ फिर। तुम्हारे बाल गंदे ये इनकी लड़ाई नहीं देखी काफी दिनों की आप लोगों ने वो सीधा ही मारता है ना, लड़ना नहीं। चलो तो मैं काम बताती हूँ, वो करके आओ। व्यूअर ये देखिए, ऑरेंज मैंने छीन लिया और माशाल्लाह अंदर से बड़ा फ्रेश और बड़ा ही मजे का निकला है। ये देखिए नजर आ रहा है, नरम भी नहीं है। तो 700 की दर्जन, और आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों की तरफ कितने की दर्जन मिले। मुझे तो लग रहा है कि ये बहुत महंगे हो गए, क्योंकि जब स्टार्टिंग में थे 150-200 की, 250 की दर्जन थी, तो अब 700 पे चली गई। तो इसको कौन खाएगा, 700 का कौन खरीदेगा, जिसके पास है वो तो खरीद लेगा, जिसके पास नहीं वो कैसे खरीदेगा, आप बताएं। और अब तो मैं भी इतना नहीं खरीद रही, मैं कभी कभी खरीदती जिस जिसने खाना है आ जाओ। शहजादा टीम क्या कर रहे है, रोटी खा रहे हो, क्या खा रहे हो शहजादे टीम, हाँ दाल के साथ पराठा। ये चिकन किस लिए पड़ा है इधर, दो कि ये भी पकना है पापा के लिए, कल मुलाकात करने जाना है पापा के लिए। क्या खाना बनाए, गोश्त बनाए, और क्या इसके इसमें क्या डालें, आपके पापा को क्या पसंद है, बस गोश्त, कोई सब्जी ना डालें उसमें, गोभी मटर छोलिया है वो डाल दें, दाल मजे की बनी है, मैं भी खा लूं। जीम अभी बिजी है खाना खाने में, पराठा खाता है सुबह शाम दोपहर खाता थोड़ा सा है तो यहाँ पर जी सनी कड़ी पकौड़ा लेके आया था, मुझे बहुत पसंद है वो, मेरे लिए लेके आया था। अभी ज़रा मैं चमक लगा के चेक करती हूँ कि कैसी बनी है। वैसे तो उसकी मिसेज अच्छी बनाती है कड़ी पकौड़ा, मज़े की बनाती है, और हमारे घर अभी जो है ना पहले दाल पकी थी और उसके बाद अभी गोभी गोश्त पक रहा है मेरे भाई के लिए। तो देखते हैं, अजीम को दाल पसंद है, इसके पापा को गोश्त पसंद है, हैं जी। अभी ज़रा जी कड़ी को कर लेते हैं चेक कि इसका टेस्ट है कैसा,
तो फिर देखते हैं कि हमने कढ़ी खानी है या दाल खानी है या फिर गोभी गोश्त खाना है। बिस्मिल्लाह। बनाती तो मज़े की हो तुम ईशा, है आज क्यों नहीं मज़े की बनाई बताओ ज़रा, व्लॉग देखती हो ना मेरा? मज़े की है, मज़े की है। मज़े की है खान। अभी मैं तंदूर से रोटी, यार तंदूर तो दो रोटियां फाड़ के ले, मैं कड़ी ना खा, मैंने बड़ी भूख लगी, जल्दी कर। अभी मैंने रोटियां दो मंगा ली, मुझे बहुत भूख लगी, साथ में मैंने थोड़ी सी दाल ले ली, साथ में मेरे पास कड़ी है, तो अभी मैं इसको खाती हूँ भाई। तो आए जी बिस्मिल्लाह करते हैं, किस किस ने खाना है खाना हमारे गरीबों के घर में, दाल और कड़ी। बिस्मिल्लाह। पहला नवाला मैंने दाल के साथ लिया, दूसरा नवाला कड़ी के साथ लूंगी, दोनों ही मजे के हैं, दाल अम्मी ने बनाई है। बिस्मिल्लाह। और जो कड़ी है वो सनी के घर से आई है, कड़ी भी मजे की है, कड़ी मेरी फेवरेट है, और मूंग मसर की दाल भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इसके साथ वाइट चावल और फिर ज्यादा फिर ज्यादा पसंद है। यहाँ पर मेरे शहजादा भी बैठा, आपने खा लिए ना? हाँ फुल हो गए, परोठा खाया था है? अभी मैं खा रही तंदूर से सादी रोटी मंगा के। चलो जी आराम से खाना खाते हैं फिर ज़रा। व्यूअर यहाँ पर जो है ना हमारा गोभी गोश्त का सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है, बिल्कुल रेडी है, तो बस इसको डब्बे में डालेंगे और फ्रीज कर देंगे, ये हम लेके जाएंगे जेल में, कल मुलाकात करनी है भाई की तो उसको वहाँ पर देंगे। फ्रीज़ हुआ होगा तो वो थोड़ा वो आज खा लेगा, थोड़ा कल खा लेगा, बस यही कुछ होगा जी। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। आज जो भी पूरा दिन मैंने एक्टिविटी की, जहाँ जहाँ मैं गई, जो खाया पिया पकाया सब आपके साथ शेयर किया, तो इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में भी जो कुछ होगा वो भी आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे कमेंट्स आप करते हैं उसके लिए भी आप सबका बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद है कि आप सबको ये व्लॉग पसंद ही आया होगा, नहीं भी पसंद आया होगा तो मैं क्या कर सकती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ, इंशाल्लाह देखती हूँ रमज़ान में या फिर रमज़ान के बाद। कॉल आ गई चौधरी साहब की, बस तो चौधरी साहब की जनाब आ गई थी कॉल, फिर मैंने उनकी कॉल अटेंड की, दो बातें की, तो बीच में ही होल्ड करा के किसी और की कॉल पिक कर रही, कुछ ज़रूरी कॉल होगी जो जल्दी जल्दी उन्होंने वो पिक की है, तो खैर कोई बात नहीं, ठीक है ना, ऐसी छोटी सी बात पर नाराज़ नहीं होना चाहिए, आप लोगों ने भी नहीं होना अगर कभी आपका हस्बैंड ऐसे कर दे तो। मैं इन बातों पे नाराज़ नहीं होती, मैं ज़रा थोड़ी सी बड़ी बातों पे नाराज़ होती हूँ, छोटी छोटी बातें मैं दिल पे नहीं लेती, ठीक है। तो इसी के साथ आप सबसे चाहूँगी इजाज़त, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। तो इंशाल्लाह रमज़ान में या फिर रमज़ान के बाद मैं प्लानिंग कर रही हूँ, और वो प्लानिंग क्या है, वो ये है कि मैं चाह रही हूँ कि यार कहीं मैं नॉर्थन एरिया में जाऊँ, वहाँ जाके कैंपिंग शैम्पिंग करें, अच्छे अच्छे खूबसूरत खूबसूरत व्लॉग बनाएँ, कुकिंग करें, खाएं, पिएं, घूमें फिरें, इंजॉय करें, ताकि आप भी मेरे साथ साथ सब इंजॉय करें। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं जाऊं? मैं चाह रही हूँ कि फन मंथ के लिए कम से कम एक महीने के लिए जाऊं, महीना पूरा आपको जो है ना मैं बाहर की इंजॉय करवाऊं, जो पाकिस्तान में नहीं जा सकते वो मुझे देख देख के इंजॉय करें, और अल्लाह उनको भी तौफीक दे जाने की, और जो आउट ऑफ कंट्री में है वो तो बिल्कुल ही वहाँ से किधर पाकिस्तान घूम सकते हैं, अगर कभी वो आते भी हैं तो महीना दो दस दिन रुकते हैं, इतनी जल्दी जल्दी मुश्किल से ही रिश्तेदारों को मिला जाता है, तो इधर घूमने का मैंने का टाइम ही नहीं मिलता, तो आप लोग मुझे देख देख के अपना दिल खुश कर लेना। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है मैं उस टूर पर जाने वाली हूँ, और फिर आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो उम्मीद है कि आप सबको ये व्लॉग और वो व्लॉग सारे अच्छे लगेंगे, तभी मुझे दे दें इजाज़त, बाय बाय, हाफिज़। तो ये देखें जी माशाल्लाह कितनी खूबसूरत स्ट्रॉबेरी है, और बड़ी प्यारी स्ट्रॉबेरी आजकल आ रही है, क्योंकि न्यू है ना, तो जब भी लें हमेशा देख के लें, क्योंकि अंदर से गली गुली ख़राब भी होती, लेकिन हमारी बहुत मज़े की आई, अम्मी चेक करके लेके आई, तो इसका हम बनाएंगे शेक। तो शेक बनाने के लिए हमने जग में स्ट्रॉबेरी डाल दी, अभी इसमें हम क्या डालते हैं आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने दूध डाल दिया, यानी मिल्क डाल दिया है, और स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक हम मिल्क में दूध में ही बनाते हैं। व्यूअर्स इसमें थोड़ी सी हमने शुगर डाल दी थी, अभी जो है ना ग्राइंडर चला दिए और शेक हो रहा है रेडी। तो हमारा स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक जो है ना बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये देखें जब डालते हैं ग्लास में, ये देखें हमने स्ट्रॉबेरी थोड़ी सी ज़्यादा डाली थी,
उससे टेस्ट भी अच्छा आएगा और इसका कलर भी, ये देख लिया। तो अभी स्ट्रॉबेरी शेक एंजॉय करते हैं, किस किस ने करना है आज कर लो। मजेदार।